है, लेकिन ये इसमें ई है इसमें ई नहीं है, तो ये सबसेट ऑफ ए नहीं बनेगा। अपने को एक चाहिए था, मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, कोई भी एक उठा लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे फोर एक्स इज इक्वल टू सी, लिखेंगे हियर ए इज नेबरहुड ऑफ सी बिकॉज देयर एग्जिस्ट जी इज इक्वल टू सी कोमा डी, देयर एग्जिस्ट जी इज इक्वल टू सी कोमा डी सच दैट सी बिलोंग्स टू सी कोमा डी और सबसेट ऑफ ए। ऐसा अपने पास है तो सी का नेबरहुड कौन बनेगा? ए बनेगा। या फिर आप बोल सकते हो कि ए किसका नेबरहुड बनेगा? सी का नेबरहुड बनेगा। हम बात करते हैं फोर एक्स इज इक्वल टू डी के लिए, तो हम बोलेंगे ए जो है वो नेबरहुड बनेगा कि नहीं बनेगा? नेबरहुड ऑफ डी है, और क्यों है वो समझना। पीछे देखो, डी को कंटेन करने वाले कौन कौन बन रहे हैं? एक्स डी को कंटेन करता है, सी को मा डी भी कंटेन करता है, ये भी और ये भी, वही एलिमेंट है वापस से। तो हम क्या बोलेंगे? डी को कंटेन करने वाले कौन कौन बन रहे हैं अपने पास? तो मैं बोलूंगा डी को कंटेन करने वाला एक तो एक्स है, एक सी को मा डी है, और एक ए कोमा सी कोमा डी है, और एक अपने पास बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई है। ये है। अब ये तो कैपिटल एक्स जो है वो तो कैपिटल ए के अंदर आता नहीं है, लेकिन ये कैपिटल ए के अंदर है, ये भी कैपिटल ए के अंदर है, लेकिन ये कैपिटल ए के अंदर आता नहीं है। तो हम बोलेंगे कोई भी एक अगर कैपिटल ए के अंदर आ गया तो काम चल गए, ये भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? ए इज नेबरहुड ऑफ बी, सॉरी ए इज नेबरहुड ऑफ डी, क्यों? बिकॉज देयर एग्जिस्ट जी इज इक्वल टू सी कॉमा डी सच दैट डी जो एलिमेंट है वो किसमें है? सी कॉमा डी में है, और सी कॉमा डी जो है वो सबसेट बन रहा है ए का। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे? हैंस कैपिटल ए इज नेबरहुड ऑफ किस किस का नेबरहुड है? ए एलिमेंट का नेबरहुड है, सी एलिमेंट का नेबरहुड है, एंड डी एलिमेंट का नेबरहुड है। बट कैपिटल ए इज नॉट नेबरहुड ऑफ बी का नेबरहुड नहीं है। ठीक है, अब देख लेना, कैपिटल ए के अंदर अपने पास एलिमेंट था ए बी सी और डी, लेकिन ये क्या बोल रहा है? बी का तो नेबरहुड बन नहीं रहा है ए, लेकिन इन तीनों का नेबरहुड है। यही बात हमने यहाँ पर देखो दिखाई है, यही कहा है कि ए जो है वो ए सी एंड डी का नेबरहुड है, लेकिन बी का नेबरहुड नहीं है। तो ये आपको नेबरहुड वाला कॉन्सेप्ट शायद समझ में आ गया होगा कि किसी भी टोपोलॉजी के अंदर आपके पास अगर नेबरहुड चेक करना है तो आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बार एक बार इसको देख लेते हैं। अपने पास कंडीशन क्या ही है? कैपिटल एक्स आपके पास गिवन होगा कोई भी सेट, तो अपने पास टोपोलॉजी होगी जो कि फाई और एक्स को तो रखेगी, साथ में और भी कंडीशन देके रखेंगे। तब मैं बोलूंगा कि ए जो है वो सबसेट है कैपिटल एक्स का सबसेट है। ए के अंदर कुछ एलिमेंट रहेंगे अपने पास, हमें चेक करना है कि ये एलिमेंट जो पहला एलिमेंट लिखा है उस एलिमेंट के लिए अपने पास जी इसके अंदर एक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जो पूरा ए के अंदर से आता है। अगले एक्स के लिए अपने पास जी ऐसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जो ए के अंदर आ रहा है, और अगले अपने पास एक्स के लिए जी ऐसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जो ए के अंदर से आ रहा है। अगर एक भी जी एक्स के लिए मिल जाता है तो हम बोलेंगे हैं कि इस एक्स के लिए ए क्या बनेगा? नेबरहुड बनेगा।
अगर इस एक्स के लिए एक भी जी मिल जाता है ऐसा, तो मैं बोलूँगा इस एक्स के लिए ए क्या बन जाएगा, नेबड़ू बन जाएगा। इस एक्स के लिए एक भी जी बन जाता है तो मैं बोलूँगा ये एक्स के लिए ए क्या बन जाएगा, नेबड़ू बन जाएगा। इस तरीके से अपने पास नेबड़ू वाला कॉन्सेप्ट है। मैंने सारी चीज़ें धीरे धीरे आसान आसान तरीके से समझदार समझा समझा करके बताई हैं, क्योंकि आगे जो अपने पास और नए नए एग्जाम्पल्स आएंगे उनमें अपने पास लिमिट पॉइंट वगैरह कॉन्सेप्ट भी आएगा, और वो कॉन्सेप्ट फिर इनसे डिफरेंट है। ओपन सेट भी आएंगे, इंटीरियर पॉइंट भी आएंगे, तो उसमें आप लोगों को फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इस वजह से मैं सारी सारी चीज़ें धीरे धीरे दो दो एग्जाम्पल दे करके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो भी अपने पीछे पढ़ा है, कौन सा वाला टॉपिक, लिमिट पॉइंट, सॉरी नेबरहुड ऑफ ए सेट, फिर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ए पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है, अपने पास कोई भी सेट जो है वो नेबरहुड बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके लिए हमने ये चीज़ें लिखी हैं। तो आप कर सकते हो, पीछे पीछे जो लिखा है हमने इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, क्योंकि हमने सबसे आते ही पहले ये प्रूव करवाया था। इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद ये नेबरहुड ऑफ लिमिट पॉइंट, सॉरी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट करना है। उसके बाद अगला एग्जांपल, तो ये मैं रफ कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट करना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट करना है, और लास्ट अपने पास खत्म हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास टॉपिक था। उम्मीद करते हैं कि लिमिट पॉइंट अपने पास ये समझ में आ गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर।